माई पोलिटिकल साइंस पढ़ा था हमेशा जब बच्चों को पोलिटिकल साइंस सिखाते थे पहले क्लास में पॉलिटिक्स की मतलब बताने का कोशिश करते हमने बच्चों को ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स की मतलब जो हमारी निजी जिंदगी में मसाए उठते हैं उसको हल करने का एक रास्ता इसी का एक नाम है पॉलिटिक्स। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता जैसा किताबों में लिखा जाता है। असली जिंदगी में पॉलिटिक्स कहीं और तरीके से होता है, कहीं ने मजहब के नाम पर, कहीं ने जात के नाम पर अपनी सत्ता में आने का कोशिश करते हैं। तो बात यही होता है, इससे क्या नुकसान है, क्यों जिसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ये हमारा आज मकसद है। इसको समझना हल करना, इसको समझने का एक रास्ता है जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसको सही ढंग से अगर समझे तो एक रास्ता भी मिल सकता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी आप सब लोग जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित प्रेमला ने खुदकुशी की थी। उन्होंने एक दलित फैमिली से आया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचना उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल बात था। उनकी माँ कई कई घरों में काम करते थे, बच्चों के साथ उन्हें भी पढ़कर साथ साथ अपने भी डिग्री हासिल की और बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक उन्हें दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक आना कोई मामूली बात नहीं है दलित के लिए। आने के बाद ऐसे यूनिवर्सिटीज में अपने जगह पाना और भी मुश्किल है, क्योंकि तेलुगु मीडियम से आते हैं, अपने अपने हिंदी मीडियम से आते हैं और वहाँ इंग्लिश में बात करना, वहाँ की तहजीब सीखना उतना आसान नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं ऐसे बच्चों की मुश्किल उन्हें तो फेस करना पड़ता होगा। ऐसे ही सवालों को हल करने के लिए, अपने रास्ते आगे ले जाने के लिए वो सब बच्चे मिलकर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन बनाए थे कुछ साल पहले। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन उनके लिए एक रास्ता था, यूनिवर्सिटी में एक इज्जत से जीने का यही एक रास्ता था। तो उन लोगों के अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन कायम करके थोड़ा यूनिवर्सिटी में अपने इज्जत से जीने का एक कोशिश की और उसमें से कई बच्चे ऐसे भी निकले कि वो अच्छा अच्छा नौकरी भी मिले उन लोगों को। और जब ये लोग बहुत सारे सवाल उठाने लगे उनके ऊपर एंटी नेशनल दबा लगाए थे कुछ एवीएम के स्टूडेंट्स और ये था असली मुद्दा। तो ये बच्चे उनसे पूछे क्या मकसद है, आप ऐसे हमें क्यों बोलने लगे, जवाब तो दे ना तो आप हमें माफी मांगे। तो ये गड़बड़ हुआ। ये गड़बड़ होने के बाद दूसरे दिन इंक्वायरी हुआ, यूनिवर्सिटी ने दोनों बच्चों को डांटे और वहां से केस खत्म हो गया। लेकिन जब दबाव आया तो यूनिवर्सिटी सबने आप फिर एक बात बोले, फिर इंक्वायरी की, वो लोग खुश नहीं थे। फिर तीसरा इंक्वायरी हुआ, फिर तीसरा इंक्वायरी के बाद वो लोग ये समझ में आया कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर है, पुलिस ने सही ढंग से काम नहीं की, अगर रोकेंगे नहीं तो यूनिवर्सिटी में बहुत खतरा हो सकता। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को यूनिवर्सिटी से वो लोग प्रश्न किए, आस्तन से उन लोगों की वहां की पॉलिटिकल एक्टिविटी से उन लोगों को दूर रखने के लिए ऑर्डर आया था। बढ़ सकते हैं लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं रख सकते। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसका एक आइडेंटिटी पहचान था, यूनिवर्सिटी अपने एक जिंदगी पाने के लिए एक ही रास्ता था। जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुआ तो वो लोग पूछने लगे हमारा हक क्यों छीन लेते हमारे से। तो ये था वहाँ गड़बड़ शुरू हुआ। लेकिन यूनिवर्सिटी से जब रेस्पॉन्स नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, रोहित प्रेमला ने सोचा, वाइस चांसलर को लेटर लिखा, हम जैसे लोगों को जब एडमिशन देते हैं साथ साथ में एक जहर भी देना चाहिए ताकि अगर जिंदगी यहाँ टिक नहीं सकते जहर तो भी नहीं।
अपना जमुनियत को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। हम समझते हैं खासकर हिंदुस्तान में जब एक लिबरलाइजेशन की माहौल बढ़ गया, जब कॉन्ट्रैक्टर्स की कॉर्पोरेट की कब्जा उनकी हाथों में पॉलिटिक्स पूरा आ गया, तो एक वजह एक सही रास्ता सही अड्डेला निकलने की जरूरत पड़ता, ताकि दूसरी बात करने का जरूरत नहीं पड़ता, दूसरे सवालों की जवाब देने का जरूरत नहीं पड़ता। आवाम जो हक के बात करते हैं उसको पॉलिटिक्स में उसकी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये सारी लोग ऐसे ही सवालों को उछलने के लिए मदद को आसानी एक रास्ता बन गया, ताकि वो लोग अपने खाबों में सरकार से जितना रिसोर्सेस हो सके उतना रिसोर्सेज को लोग डाइवर्ट करके दे जा सकते। ये है असली मकसद। ये माहौल में ये कॉर्पोरेट अपने इंटरेस्ट के लिए ये पूरी एक रास्ता बनता है। जब छोटी रियासत की लड़ाई होता है जैसे तेलंगाना की लड़ाई होता है, तो एक रास्ता था ऐसे ही कॉर्पोरेट लॉबी के खिलाफ एक लड़ाई था, क्योंकि आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही एक कम्युनिटी इतना उभर कर इतना मजबूत बन गई कि कुछ और बात करने का माहौल भी नहीं रहा था। उसी सिचुएशन में लेकर के अभी एक छोटी रियासत की आंदोलन उभर कर सामने आया, ताकि ऐसे कॉर्पोरेट कंट्रोल नहीं रहे और जितने भी लोगों की अपने डेवलपमेंट की अपनी हक की बात करने का एक माहौल बन सकता है। तो ये है हमारे ख्याल में एक रास्ता है, लेकिन ये भी हम जानना बहुत ही जरूरी है, छोटा रियासत बनना एक पहला कदम है, आगे बढ़कर इसको जमहूरियत मजबूत करने के लिए एक दूसरी कदम भी खेलना पड़ता है। पहले कदम जरूरी है क्योंकि ये कॉर्पोरेट कंट्रोल कमजोर होता है, ताकि हम दूसरी कदम उठाने का एक माहौल बनता है। इसीलिए ये दोनों मिलकर आगे ले जाना बहुत ही जरूरत पड़ता है। हम जैसे लोग आगे हमारा कार्रवाई को हमारा आंदोलन को ले जाने का एक कोशिश में है, जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेट अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोगों के ऊपर अमल करने का कोशिश करते हैं उसको रोकना चाहिए। पीपल सेंट्रिक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट को आगे ले जाना बहुत ही जरूरी पड़ता है। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ऑफ हेट, पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन अगर रोकना है तो इसका मकसद यही हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए पीपल्स राइट्स मूवमेंट के लिए ये काफी जरूरत है। इसीलिए हम इसके खिलाफ आवाज उठाना है, हम सब लोग मिलकर ये कम्युनलिज्म को रोकने का एक कोशिश भी करना है। हम तो जानते हैं कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स आइडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कम्युनलिज्म में कैस्टिज्म में इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत जानना जरूरी है, हम भी इतना कमजोर नहीं है इतना लोग समझते हैं। मेरे ख्याल में हम इतना कमजोर नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। आदत हमारा भी बहुत बड़ी है, तो उसको सारी ताकतों को अगर एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे इसको रोकना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आवाम ने अपने हक की एक सोच आ गए और ये अगर पहचान लिया तो ये सेक्युलर मूवमेंट भी हिंदुस्तान में बहुत ही मजबूत बन सकता है। हर जगह में हर इलाके में अपने अपने हकों के लिए लोगों का लड़ाई जारी है, जहाँ पे भी ये लड़ाई मजबूत है वहाँ ये कम्युनलिज्म की फोर्स बहुत ही कमजोर रहेगी। तो ये ताकत अगर मिलकर हिंदुस्तान की नेशनल लेवल पर अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ से जो ये लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई है, हिंदुस्तान अगर जमहूरियत अगर मजबूत बनना है हम ये ताकत को रोकना भी बहुत ही जरूरी है। जमहूरियत को मजबूत करना जैसे यूनिवर्सिटीज में इसकी मतलब क्या हो सकता है, रोहित बिरला ने जो सवाल उठाया उसको हल करने का एक रास्ता जमहूरियत को मजबूत करना ही पड़ता। रोकने का कोशिश एक दूसरी तरफ से ताकतवर लोग अपने आप कॉर्पोरेट सेक्टर के कम्युनलिज्म के जरिए अपने आप पॉलिटिक्स में रखने का एक कोशिश करते हैं। तो मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ, हम इकट्ठा होना चाहिए लेकिन हमारा काम कैसे रहेगा, किस ढंग से हम आगे बढ़ते हैं ये पूरी काम हमको
पूछना बहुत ही जरूरी है। दो तीन बात अपने सामने रखना चाहता हूँ। एक जमाना था 90s में, खासकर हर जगह हिंदुस्तान में एकता मूवमेंट हुआ था, जैसा हैदराबाद में भी हैदराबाद एकता मूवमेंट था, बहुत ही मजबूत मूवमेंट था। ये मूवमेंट हमने वायलेंस के खिलाफ कैंपेन में लेने के लिए बहुत अच्छा काम, अच्छा एक गोल था। तो हमने वायलेंस के खिलाफ ये आवाज उठाई, लोगों को समझाया इसके मतलब, लेकिन एक सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत के मजबूत करने के लिए ये पहला कदम था। वही अगर हम रुक जाएंगे तो हमारा मूवमेंट बढ़ता है। मैं चाहता हूँ यहाँ से हम आगे कदम आगे जाना बहुत ही जरूरी है। वी मस्ट नॉट बी जस्ट मियरली ऑल द वे टॉकिंग अबाउट कम्युनलिज्म, वी शुड नाउ टॉक अबाउट आवर ओन प्रोग्राम फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर सोशल जस्टिस। दिस इज द एजेंडा एंड दैट वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड दिस एजेंडा एंड हैव टू स्ट्रेंथन अवर स्ट्रगल ऑन द बेसिस ऑफ दीस वैल्यूज एंड इट इज ऑन दिस बेसिस वी नाउ हैव टू डील विद दी पब्लिक। इट इज यू नो वी आर ऑल द वे डीलिंग विद देयर एजेंडा एंड ट्राइंग टू काउंटर। I only trying to propose now the time has come and we have gained so much strength, we should now talk about our own agenda and begin to campaign for these agendas, and in the process we will always be providing an answer to what the others are trying to say. And it is in this context I would say that you know that such a campaign has always been the people's movement and we can be popular for it. As we can see in the Telangana, because of this you know continuous struggle, there is ऐसे ही अवेयरनेस अगर बढ़ जाएंगे आवाम में, जो लोग संगठित हो जाएंगे तो कम्युनलिज्म को कमजोर करने के लिए ये एक रास्ता बन सकता है। मेरे ख्याल में ऐसा एक पॉजिटिव हमारा एक प्रोग्राम ये रहना बहुत ही जरूरी है। ऐसे एक प्रोग्राम के लिए हम जो डिक्लेरेशन बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम हमारा एजेंडा भी लोगों के सामने रखना बहुत ही जरूरी है। उनका एजेंडा जैसा हम खिलाफ एक मुखालिफत करते हैं, जैसा हमारा एजेंडा को मजबूत बना के लोगों तक सुनाना ले जाना बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं जमहूरियत को, हम चाहते हैं सोशल जस्टिस और हम चाहते हैं कि पीपुल्स सेंट्रिक डेवलपमेंट और इसको आगे बढ़ाना है तो सियासी हिंदुस्तान की सियासत में ये मुद्दा बनना चाहिए। और जो ये मुद्दा नहीं रहेंगे तो खतरा लोगों को हो सकता है। ये बात हम लोगों तक आवाम तक ले जाना हमारा फर्ज बनता है। ऐसा एक कैंपेन के लिए हम भी तैयार हैं, जरूर हम इस कैंपेन में मजबूत करने के लिए हम भी इसको आप बनाएंगे, हम भी शामिल होंगे। तो मैं स्वराज अध्ययन को मैं बधाई देता हूँ कि एक अच्छा कॉन्फ्रेंस आप लोग यहाँ वाराणसी में किए, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हर जगह होना चाहिए और हमारा एजेंडा को आगे ले जाने के लिए